फैक्टिंग में आपका स्वागत है। मैं भी शोभर मिश्रा। राज्य में बढ़ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर उपायुक्त कार्यालय सभागार में आज बाल संरक्षण आयोग की बैठक किया गया। इस बैठक में जिला स्तरीय बाल संरक्षण के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, एसपी, डीएसडब्ल्यूओ, सीएस, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीओ, एनजीओ, रेलवे पुलिस और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वही आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि जिला प्रशासन, रेलवे, एनजीओ सभी को मिलकर एक साथ काम को करना होगा। तो डीसीपी साहब कहाँ हैं? सारे परिचय हो गया, बताइए अपना परिचय दीजिए। बैठ के डीसीपी जी, मेरा नाम जो इन सारी बातों में बाल संरक्षण आयोग जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग ने एक पहल किया है कि हर जिले में जिला स्तरीय बाल संरक्षण में लगे जितने भी मैकेनिज्म हैं उसका कैसे आपसी सामंजस्य बना के और जो काम हो रहा है उसको और बेहतर ढंग से काम करें। काम तो हो रहे हैं लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन एक कोलेबरेशन के साथ एक साथ जो काम करने की दिशा में हम लोगों ने पहल करी है और इसी के तहत आज रांची जिला के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जिसमें कि जिला प्रशासन के पदाधिकारी, आयोग, एनजीओ, पुलिस, रेलवे सारे लोगों के साथ और हॉस्पिटलिटी सारे लोगों के साथ ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग है कि कैसे हम बेहतरीन ढंग से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जा सके। उसको सर फेंक दिया जाता है तो उसको बहुत सारे बच्चियां जो है जो मर जाती है, बहुत सारे बच्चे, तो उन लोग को रख रखाव के लिए क्या? देखिये, ऑलरेडी हमारा जो प्रोग्राम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सरकार का प्रोग्राम है ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स, समेकित बाल संरक्षण योजना, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, बिग अम्ब्रेला। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में साख खोले गए हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों के रखने के लिए, खासकर जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस होते हैं उन बच्चों के रखने के लिए हर एक जिला में, मोस्टली जिलों में इसके कर दिए गए हैं। दूसरा, ऐसे बच्चे जो बच्चे जो खासकर जो चाइल्ड लेबर के बच्चे काम कर रहे हैं, जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सड़कों में घुमंतू बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो उन बच्चों के लिए बाल गृह की स्थापना की गई। उसी तरह कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से खासकर जो ट्रैफिकिंग से मुक्त कराई गई लड़कियाँ होती हैं उनके शेल्टर के लिए सरकार की तरफ से स्वाधार योजना के तहत से शेल्टर, सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन सवाल वही है अंत में जो खड़ा हो जाता है कि इसके लेकर जो लोगों में कहीं ना कहीं चेतना और कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी के साथ आगे सोचना और सबको जानकारी होना, ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक चीज़ें आपकी बदलाव नहीं आएगा।